नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एनीथिंग एवरीथिंग विद आर्यम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दही भल्ले बता रही हूँ। ये देखिए, मैं मूंग की दाल के बता रही हूँ। ये मैंने छिलके वाली दाल ली है। इसको देखिए, मैंने भिगो के रख दिया था। 1.5 से 2 घंटे हो गए भिगोए हुए इसको। तो देखिए, छिलके आराम से छूट गए हैं। अभी इसको धो के अच्छे से मैं इसके छिलके जो है अलग कर दूंगी। और ये खाने में बहुत ही हल्की रहती है, तो इसलिए मैं इसी की आपको बता रही हूँ। उड़द की दाल के भी बनाते हैं, लेकिन वो हैवी हो जाते हैं। तो धो के मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, इसके छिलके सब निकाल दिए। थोड़े बहुत वो रह जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। अगर नहीं पीसेगी तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, और नहीं तो बस ऐसे ही इसको पीसेंगे। ये इसमें थोड़ा सा बस मैंने पानी डाला था। अब इसको हमें फेंटना है। देखिए कितनी अच्छी फाइन बिल्कुल पीस गई है। अब इसको हम फेंटेंगे, क्योंकि फेंटेंगे तभी हमारी अच्छी और सॉफ्ट बिल्कुल बनेगी। तो इसको आप चाहे हाथ से फेंट लीजिए या स्पून की हेल्प से ही फेंट लीजिए इस तरह से। इसको अभी हम 5 मिनट करीब फेंटेंगे। देखिए दाल हमारी फेंट चुकी है, इसको मैंने स्पून से फेंटा है। और देखिए, जब हमने अभी फेंटना नहीं शुरू किया था तब ये कम थी। अब जब फेंट दिया तो देखिए फूल जाती है, फ्लफी हो जाती है बिल्कुल। ये देखिए कितनी अच्छी, कैसे बिल्कुल फूल चुकी है हमारी दाल। और इसको जब हम फेंटते हैं तो इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना रहता है। ऐसे हम फेंट रहे हैं तो बस ऐसे ही फेंटेंगे, इसको उल्टा नहीं घुमाएंगे। उल्टा घुमाएंगे तो फिर हमारी दाल अच्छी नहीं फिटेगी। और अब इसको हमें तुरंत बनाना होगा, नहीं बनाएंगे अगर हम इसको अभी रख देंगे, छोड़ देंगे आधा घंटा या 15 मिनट, तो ये क्या होगा, फिर से बैठ जाएगी हमारी, हमें फिर दोबारा फेंटना पड़ेगा। तो इसको फेंटने के बाद हमें तुरंत बनाना रहता है। और देखिए इसकी ये पहचान होती है। थोड़ा सा पानी मैंने लिया है, इसमें मैं डाल के देखती हूँ कि हमारी दाल तैयार हुई है कि नहीं फिट के। ये देखिए, ये ऊपर आ गई है, तैर रही है, तो इसका मतलब है हमारी फिट चुकी है, रेडी हो गई है कि अब हम इसकी पकौड़ी तैयार करेंगे। कढ़ाई देखिए हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा लेके डालेंगे इस तरह से। देखिए कि आप जितनी बड़ी आपको रखनी है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। हाथ में लेना है और फिर उसको बस ऐसे करके छोड़ देना है। देखिए कितनी अच्छी बन रही है गोल हमारी। और जितना अच्छा हम फेंटेंगे ना, उतनी अच्छी हमारी सॉफ्ट बनेगी बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी हमारी तैयार हो रही है बिल्कुल। ये मैंने 1 कटोरी दाल भी भिगोई थी, 1 कटोरी में देखिए हमारी काफ़ी तैयार हो जाती हैं। इसको हम कलर दे रहे हैं हर तरफ से। फ्लेम हमारी मीडियम है, ना धीमी है बहुत ना बहुत तेज है। ये देखिए सिक चुकी है हमारी, फ्लेम हमारी तेज ही है, धीमी नहीं की है। बहुत ज़्यादा धीमी अगर आप कर देंगे तो ऑयल जो है अंदर भर जाएगा। देखिए बिल्कुल गुलाबी गुलाबी हो चुकी है। अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ सब अपनी। ये जो मैंने बनाई है इसको मैं थोड़ा सा पानी में डिप करके रख दूँगी 2 मिनट के लिए केवल, जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और इसका जो ऑयल है वो भी निकल जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको डिप करके रखेंगे पानी में, बस ऐसे ही छोड़ देंगे हम। पानी में डिप करके मैंने रखी थी, इसको अब हल्का सा हम प्रेस करके ऐसे कर देंगे और इसका पानी निकाल के ये सारी हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी सब इस तरह से करके एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए ये सब मैंने पानी से निकाल लिया, हल्का सा प्रेस करके बस इसको निकाल दिया। देखिए जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो सब पानी में आ गया, हमारा ऑयल भी इस तरह से निकल जाता है, वो हमारी सॉफ्ट भी हो जाती। अब ये देखिए मैंने प्लेन दही है, इसमें कुछ नहीं डाला है अभी मैंने, इसको मैंने फेंट के रख लिया है, छान लिया था चंद से। अब ये पकौड़ी हम इसी में डाल देंगे, डिप कर देंगे, जिससे इसमें दही अंदर तक चला जाए, अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए, तभी हमारे जो भल्ले हैं ये दही भल्ले हमें अच्छे लगेंगे। और अभी देखिएगा ये जब इसमें डालेंगे ये फिर से वैसी ही हो जाएंगी, फूल जाएंगी बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए हम डिप करके रख देंगे इसमें, सब डाल देंगे हम इसको इस तरह से कर दीजिए, पूरी डूब जाएंगी हमारी। अभी कर्ड को हमने पानी कम डाला है, इसमें गाढ़ा ही रखा हुआ है, पतला नहीं करना है, बस इस तरह से करके अब हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। ये दही भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं, ये करीब 10 मिनट हो गए मुझे रखे हुए। ये देखिए दही में डिप करना इसलिए ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही पकौड़ी के ऊपर से दही डालेंगे, कर डालेंगे, तो अंदर से क्या होगा वो बिल्कुल सूखी सूखी रहेगी। अब क्या है ये 10 मिनट हो गए इसको इसमें भीगते हुए, तो वो क्या होता है अंदर से एब्जॉर्ब कर लेती है दही को, दही का जो टेस्ट है वो भी उसमें अंदर भी आ जाता है, नहीं तो अंदर से बिल्कुल खाली खाली फीकी फीकी लगती है, वो अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से अगर हम तैयार करेंगे तो बहुत अच्छी हमारी बनके तैयार होती है। ये देखिए बिल्कुल दही को भी इसने सोख लिया है, काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा हो गया। अब देखिए हम इसको सर्व करते हैं, हमें कैसे करना है उसके लिए देखिए मैंने ये सब सामान लिया हुआ है, ये सब अभी हम डालेंगे इसमें। पहले हम इसको इसमें निकालते हैं प्लेट में।
देखिए हमने निकाल दिए, इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ये गाढ़ा अपना कर्ड डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा, ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, फीका भी नहीं लगना चाहिए। थोड़ी सी लाल मिर्च, ये मैंने लिया हुआ है चाट मसाला, थोड़ा सा हम चाट मसाला ऐड कर रहे हैं इसमें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा चाट मसाले का। ये ऐसी चीज़ है कि इसको आप बना के पहले से तैयार करके रख सकते हैं, जैसे आपके घर में कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है या कोई गेस्ट आने वाला है, तो आप एक दिन पहले या दो दिन पहले भी पकौड़ी जो है तैयार करके रख सकते हैं। बाद में जिस दिन आपके आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो आप उस दिन आप उसको कर्ड में डाल लीजिए, ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, जल्दी फ्रिज में आप तैयार कर। ये मैंने मीठी चटनी तैयार करी है, ये अगर आपको पसंद है तो डालिए, जिसको नहीं पसंद है तो वो नहीं डालेगा, लेकिन अच्छी लगती है। इस तरह से थोड़ी सी मीठी चटनी हो गई हमारी, थोड़ी सी ये मैं ग्रीन चटनी डाल ली हूँ, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, ये मैंने रखा हुआ है पॉमी, इसको भी हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा पॉमी, थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर, इस तरह से लगा दीजिए। मैं आपको इसमें से कट करके दिखा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट हमारे बनके रेडी हुए हैं बिल्कुल। देखिए कितने अच्छे, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल जालीदार बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई भी गेस्ट आपके यहाँ आ रहा है तो आप इसको बनाइए और देखिए आपके कैसे बन के रेडी होते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसको अच्छे से फेंटना अच्छे से है हमें, जितना अच्छे से हम इसको फेंटेंगे उतने अच्छे हमारे बन के रेडी होंगे। और फिर उसके बाद बनाने के बाद एक बार इसको थोड़ा सा पानी में डिप कर दीजिए, फिर पानी में से निकाल के हल्का सा उसको पानी निकाल के फिर उसको कर्ड में भी डिप करके रखिए थोड़ी देर, ताकि अंदर तक उसमें कर्ड हमारा जाए, उसका टेस्ट जाए। इस तरह से आप इसको ज़रूर बनाइए और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपके बने हैं, आपको पसंद आए कि नहीं आए। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।